हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुजात कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिजन सार के साथ। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। साथ साथ आज एपिसोड फाइव है। आपको दाने का बता दिया, सारा कुछ आपको समझाया है, वैक्सीन कैसे करनी है, ट्रीटमेंट कबूतर का सारा साथ साथ बता रहे हैं, दाना पानी का बता रहे हैं, आपको सारा कुछ बता रहे हैं साथ साथ। आज पर्फ उठाई कर दिया, आज 15 जुलाई है। 15 जुलाई को जी मैंने आपको बताया था पर्फ उठाई 5 दिन ऊपर दिए थे ताकि कबूतर और फिट हो जाए। माशाल्लाह जी सारे कबूतर फिट हैं सारों को, लेकिन कई कबूतरों के देखें पर्फ उठाई का तरीकाकार भी होता है एक। आज असल में पांचवी जो एपिसोड है वो इसीलिए है ताकि आप लोग सारे आज मैं जो उस्ताद मैं उस्ताद की बात नहीं कर रहा, जिनको तो तरीका आता है पर्फ कैसे खींचने कैसे हैं। असल में बताने का मकसद ये है कि पर्फ खींचने कैसे हैं, आपको वो दिखाने हैं। मैंने जी तकरीबन 81 कबूतर है जिनको आज खींचा है, ठीक है। आज आपको जरा तरीका ही बताएंगे कि पर्फ खींचते कैसे हैं अगर आप अकेले हैं। जिस तरह मैं आज एक है अपना लड़का है वो मुझे पकड़ाता जाता है, मैं खींचता जाता हूँ, क्योंकि जरा मैं अपनी निगरानी में खींचता हूँ कि एक पार पता चले कि पार कोई नया तो नहीं है। वैसे तो मुझसे भी टूटे हैं कई पार यार, नए पार थे, खून भी निकला है, लेकिन अब क्या किया जाए, अल्लाह से माफ़ी मांगी कि अल्लाह पाक माफ़ कर देना, बस यही कर सकते हैं हम, माफ़ी मांग सकते हैं क्योंकि पार भी नहीं देने हैं, गेम भी आ गई हुई है। ले जी आज आपको बताते हैं कि जी अगर आप अकेले हैं तो कबूतरों के पार कैसे खींचने हैं। असल में तरीकाकार यही है, देखें कबूतर बड़ा नाजुक होता है। सबसे पहले तो मैं आपको शौक करवा दूं, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह है माशाल्लाह हुला कुवत अल्लाह बिल्ला, ये मेरा एक बहादुर कबूतर है। मैंने कहा आपको साथ शौक भी करवाऊं, ये मेरा बहादुर कबूतर है जो 5 बज के शदीद गर्मी थी, 42 या 41 टेम्परेचर था आखिरी बिसाखी बाजी में, ये कबूतर मेरा 5 बज के 6 मिनट में बैठा था। इसको हल्का कैप्सूल लगाया था, लाइट वाला 8 वाला लगाया था कैप्सूल। साथ साथ बता रहा हूँ आपको कि कैप्सूल भी कौन से और किस तरह बैठ रहे हैं, फ्रेश बैठा था कबूतर ये वाला था। ले जी जो मेरे दोस्त देखना चाह रहे हैं कि जी कबूतर को खींचते कैसे हैं अगर आप अकेले हैं, मसलन कई दोस्तों, अब जो अनट्रेंड मेरे दोस्त हैं वो क्या करते हैं, कबूतर को ऐसे पकड़ेंगे दांतों से लगे होंगे। देखिए यार कबूतर को तकलीफ नहीं देनी, जानवर को अजियत नहीं देनी, ऐसे आप पर खींचे कि उसको पता भी ना चले। पता तो चलेगा उसका, जिसके साथ पर खींचेगा उसको पता तो चल रहा होगा, लेकिन जो है जिसे कहते हैं कि यार कम से कम तकलीफ पहुँचे उसको। हमने जी ये देखिएगा कि अगर आप अकेले हैं तो कैसे पर खींच रहे हैं। ले जी ज़रा पर जो खींचे हैं ज़रा उनकी वो सफाई का भी एहतमाम आना, ज़रा नाल है इधर आना। हमने जी साथ ही को बुलाया है उनको, वो साथ ही ज़रा थोड़ा नीवा होना ज़रा, साथ ही जी आज उनको बुलाया है साथ ही पर खींच के। ये देखें देखें यार साथ साथ नेकी के काम या अच्छा काम बताने का मकसद ये है यार, ये देखें सारे पर इसमें फेंके हैं, ये नहीं किया कि पूरी छत भर दी। हाँ उनके गुल्ले चुल्ले उड़ के वो पड़े हुए, वो अभी 2 मिनट में क्यों जी सारी सफाई सफुई करके इन्होंने साथ लपेट देने हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि यार हम साए को तकलीफ नहीं देनी। हवा चले तो पता लगे तो तुम तो अपने शौक पूरा कर रहे हो और नाल पारो पर नाल का घर होया है, तकलीफ नहीं देनी किसी को यार, इसलिए आपको बताया। ये देखें एक ये गार्बेज बैग मिलता है बाजार से, मेरे पास वो रोल पड़ा हुआ है गार्बेज बैग का, इसी में डाले पर और आराम से। आखिरी कबूतर आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था कि मेरे का बैग शौक कराऊँ, बाद में आपको शौक कराते हैं। लो जी तुम कर लो अपना काम, ठीक है। तो जी कबूतर अगर आप अकेले हैं तो आपने किस तरह खींचना है, आपने क्या करना है जी, ये कबूतर ज़रा देखिएगा। मेरे नए दोस्त जिनको पता ही नहीं है वो बेचारे कोई ऐसे पकड़ के खींच रहा है उसको ऐसे, यार कबूतर का गुट निकल जाता है भाई, ये जो पार होता है ना ये गुट होता है, ये उसके मांस के अंदर पैवस्त होता है। समय ले कबूतर को भी इतनी तकलीफ होती है जितना आपका ये नाखून, अगर ये छिलता उसके नाखून के जब कोना एक होता है साइड पर ज़रा सा होता है, ज़रा जब टूट जाए तो कैसी तकलीफ होती है, ऐसी तकलीफ कबूतर को होती है। वेरी सॉरी यार मेरा गला भी ज़रा ख़राब है। तो कबूतर को कम से कम तकलीफ में, और आप अकेले हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप अकेले हैं तो कैसे खींचना कबूतर को। ले जी आज सबसे इंपॉर्टेंट यही वीडियो है कि किस तरह आपने करना, किस तरह कबूतर को। सबसे पहले मेरे दोस्त ये देख लें कि आपने कबूतर को पकड़ना कैसे है, आपने ये नहीं करना कबूतर को ऐसे करके आप तुम इंजन कर रहे हो, खाना ख़राब नहीं करना कबूतर का कि कबूतर गुटक खराब हो गया तो वही बर्बाद हो गया समझे, कबूतर बर्बाद हो गया। आपने क्या करना है, आपने कबूतर के बड़े आराम से दोनों परों को ऐसे उठाना है, ये देखिए ये ऐसे करके ये दोनों गोटे जो है ना ये जॉइंट, ये जो कबूतर के जॉइंट है ये, इन दोनों को इकट्ठा जोड़ के ना आपने मजबूती से पकड़ लेना है ये। अब ये कबूतर आपके पूरी तरह आपके कंट्रोल में है, वो ये पंजे पुंजे मारेगा नीचे करेगा लेकिन अभी आपके कंट्रोल में है। आपने क्या करना है, बड़े आराम से पहले एक साइड, कभी भी याद रखिएगा दोनों साइडों को ना पकड़ के खींचने लग जाइएगा। मैंने आपको बताया कि पकड़ना आपने, ये देखिए मेरी फिंगर्स देख रहे हैं आप, ये गोटों के ऊपर है, ये गोटे के ऊपर ऐसे पकड़े हुए आपने वन बाय वन करके खींचते जाना है, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी कबूतर में, ये देखिए आराम से एक दो इस तरह करके पहले एक साइड के पूरे पर खींच देते हैं उसके, नए परों का आपने ध्यान रखना है। ये देखें ये नया पर निकला, ये देखिएगा ये गुल्ले, ये ध्यान रखना है ये नहीं तोड़ देना किधर, ये टूटा तो खूनो खून कबूतर,
पर ज़्यादा होने का भी चांस होता है, हो सकता है दोबारा ना निकले, ये भी चांस है, मैं बता दूँ आपको। इसी तरह करके एक साइड आपने उसकी आखिर तक खींच देनी है। मैं तो आखिर तक खींचता हूँ कि बखियों में जो पुराने पर होते हैं ना, कबूतर जब परवाज़ में आता है वो उसको फिर चुपते हैं, क्योंकि वो नए पर बाकी होते हैं, वो नए पर नहीं होते, इसलिए मैं आखिर तक खींच देता हूँ। अब ये देखें, एक पर हो गया साइड, अब दूसरी साइड ये देखें, आप दो दो करके भी कर सकते हैं, यानी कि दो दो पर इकट्ठे खींच सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ऐसे ये गया, ये गया, ये गया, ये बखियों के, इसकी जो बखियाँ कहती हैं, ये जो बगलों होती है ना, इसकी करीब से जो पर होते हैं वो भी खींच देने चाहिए, क्योंकि बाद में प्रवास में ना कई दफ़ा ये पर उसको चुपते हैं कबूतर को, तो इसलिए ये खींच देने, मैं खींच देता हूँ। तो ये देखें, ठीक है, अभी आपने जी दोनों पर देखे कितने आराम से बैठे बैठे आपने इसको टुंड पुंड कर दी है कबूतर को, अब उसकी दुम की बारी आ गई। कई लोग दुम में हफ्ते बाद खींचते हैं, हफ्ते बाद यार देखें बार बार कबूतर को क्यों तकलीफ देनी है, मैं इस हक में नहीं होता कि यार बार बार कबूतर को तकलीफ दी जाए, तो आप एक ही दफ़ा खींच दें, मैं तो एक दफ़ा खींच देता हूँ ताकि कबूतर को तकलीफ ही ना हो। ये देखिए, लो जी दुम भी गई होती, ए लो जी ए पूरी दुम, क्यों जी सही काम किता है, ए लो जी ए कबूतर बचे। ये देखिए इसके दुम के अंदर नया पर एक निकल रहा था। आपने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि यार नया पर ना टूटे कबूतर को, बाकी जब आप ये पुटाई कर लेते हैं तो कबूतर को बड़े आराम से आप जमीन पर छोड़ दें। ये आपको बताया जी आज पर पुटाई का तरीका कि पर पुटाई कैसे करनी है। आपने देखा कुछ बच्चे थे, बच्चे भी हमने छोड़े हैं जी पर, बड़े बड़े शानदार बच्चे थे, हमने कहा चलो बच्चे छोड़े जब तक इनके पर पुटाइयाँ। एक कबूतर, आज 15 जुलाई है, ये कबूतर 30 अगस्त को जाके पर पूरे करेंगे, 45-40 डेज कबूतर लेता है। आपको पता है आपके कबूतर जाने की एक मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न एक आपके कबूतर जाने की ये है कि आप लोग कबूतर जल्दबाजी छोड़ देते हैं, 40 दिनों में कबूतर छोड़ देते हैं। कबूतर अंदर से कच्चा होता है, पर उसका लग रहा होता है बिल्कुल सही हो गया है, अंदर से उसका खून होता है, अभी अंदर उसके जहाँ पे उसका मांस होता है ना, जहाँ पे पर लगा होता है वो खून वाली जगह होती है, इसलिए वो कबूतर बेचारा तंग आके गिर पड़ता है, वो कहता है वापस आने की हिम्मत नहीं होती, चुभ रही होती है जगह। इसलिए आपने 45 दिन पूरे करके फिर इसको बांध के छोड़ते हैं, पहले एक हफ्ता बांध के। मेरी तो यही प्रैक्टिस है, मैं तो बाहर के 3-3 पर बांध देता हूँ ताकि कबूतर एकदम आसमान ना जाए। देखिए यार, ये नए कबूतर परवरों को बताने का मकसद ये है कि यार आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का, ताकि आप लोगों के कबूतर कम से कम ज़ाया हों। ज़ाया सबके होते हैं, मैं बता दूँ आपको, कोई बड़े से बड़ा उस्ताद अगर मुझे ये कहे ना कि यार मैंने 200 कबूतर खींचे तो मेरे 200 के 200 ही हैं, बचते उसके भी 50 ही हैं, कबूतर का काम ही जाना है यार, बड़े बड़े जो चीज़ें हैं ना वो चले जाते हैं। तो ये था जी आज कबूतर खींचने का तरीका, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दूसरा, आज आपने जब पुटाई कर देनी है, मेन उसकी थीम ये है कि आपने कबूतर को प्यासा रखना है। कबूतर का इस वक्त टाइम हो रहा है जी 12:30, मैंने 12:30 के करीब कबूतर खींचे हैं आज ही, कबूतरों को आपने प्यासा रखना है और शाम को 5 बजे इनको दाना डालना है। 5 बजे दाना कौन सा डालना है, आम दाना डाल के, लेकिन प्यासा रखना है कबूतरों को, आपने सिरप में डालना है पैनाडॉल या ब्रूफिन, मैं ब्रूफिन डालता हूँ, पैनाडॉल ज़रा लाइट हो जाती है, ब्रूफिन ये है उनके दर्दों को, उनकी चोट लगी हो तो मैं इनको, अच्छा ब्रूफिन कितना डाल लें, 1 लीटर पानी में उसी का जो ढक्कन होता है ना ऊपर वाला, एक उस वो भर के 1 लीटर पानी, मेरी कुनाली जो है 3 लीटर की है, तो मैं 3 ढक्कन डाल के मिक्स करके आज उनको प्यासा रख के यो दूंगा। कुनाली जब कबूतर को खींच ले तो कुनालियाँ भड़ी वाली नहीं रखनी, ये मैं भी चेंज करने लगा, छोटी कुनालियाँ रखेंगे ताकि ईजी पानी पी सके। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। सवाल आज का बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखें बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि हमने व्हाट्सएप पे मैंने सेगमेंट एक स्टार्ट किया हुआ है कि जी सबके एक अच्छे इंटरेस्टिंग, देखें मैं सबके तो नहीं दे सकता, बड़ी माजरत यार उनके जिनके मैं मैसेज पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा, यार बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ, थैंक यू वेरी मच, आप लोग सबकी चाहतों का बड़ा बड़ा शुक्रिया, मैं किसी का अगर रिप्लाई ना कर पाऊँ मैं बड़ी माजरत आपसे पहले कर लूँ। दूसरी बात यह है कि एक इंटरेस्टिंग सवाल हर एक हम लिया करेंगे वीडियो में आखिर पे, वो सवाल एक मेरे दोस्त ने बड़ा अच्छा सवाल किया, उसने कहा जी ठीक है जी आपने पिछली वीडियो बताया जी आपका फार्मूला कामयाब हो गया तो ये हो गया वो हो गया, ठीक है आपने फार्मूला बताया क्यों यार अब मुझे एक बात बताएं, अब मैं इस भाई को क्या बताऊं कि यार मैंने फार्मूला क्यों बताया, यार मैंने आपके लिए बताया, अगर फर्ज कर ले मुझे 14 साल हो गए, मैंने 14 साल में कभी नहीं बताया, लेकिन इसकी भी एक वाक्य है, ये ज़्यादा दूर का नहीं है, मेरे बताने की एक रीज़न है, मैंने ये चैनल स्टार्ट किए हुए मुझे लास्ट ईयर हुआ है, अगस्त में मुझे 1 साल हो जाएगा जी चैनल स्टार्ट किए हुए, लास्ट ईयर 2022 में मैंने अपने दोस्त के कबूतर उड़ाए, आप ये छोटी बात एक शेयर करने लगा, उसके छत पे मैंने अपना कैप्सूल वगैरह लेके उसे खाना शाना भी किया हुआ था, हमने कहा चलो कैप्सूल भी लगाएंगे साथ चलेंगे, यार उधर एक लड़का आया हुआ था तो ना बेचारा माड़े घर से लग रहा था, माड़े घर से मतलब कि बेचारा बस मस्त तबके से था, मैं गरीब का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहता, हम भी यार बस ऐसे ही हैं, अल्लाह की मखलूक है, मैं कभी किसी के लिए ये नहीं कहता हाँ बड़ा गरीब है, नहीं भाई नहीं मस्त तबके से है, ताकि यार दिल आजारी, मैंने आपको बताया दिल आजारी किसी सूरत नहीं करनी, मुझे सबसे दुनिया का बुरा तरीन काम मेरे लिए दिल आजारी करना किसी की, बड़ी कोशिश करता हूँ कि ना करूँ, अगर कर लूँ तो मैं फौरन माजरत पे, ये नहीं कि मैं कोई बड़ा फरिश्ता हूँ लेकिन यार कोशिश करता हूँ।
मैं जी उधर गया तो उधर कैप्सूल लगाने के लिए मेरे पास कैप्सूल ही थे, एक मैंने एक और दोस्त के लिए रखे थे, उसके कोई थे कोई 7 कबूतर और एक 9 कबूतर उड़ गए थे। अब जिस 9 वाली छत पे हम जब जिधर गए ना, उधर मैंने 9 कैप्सूल लगाए, खाना खाना खा रहे वो लड़का, वो मैं कह यार ये कौन है बेचारा, वो बेचारा बड़ी देर से तेरे पीछे पीछे, कहना यार वो भी मेरे पीछे से, क्योंकि मेरे कबूतर तुसी ना कोई कैप्सूल ला के कोई मैं 1-2 कैप्सूल दे दो। अब आप यकीन करें कि मैं वहाँ पर इसको देख रहा, तो वो बेचारा इंतज़ार में कि यार ओहो यार मैनू कदों कैप्सूल देंगे, कदों करेंगे, तो मैं भी कोई कबूतर ला दिया। मैंने उससे कहा यार एनू छड़, तो मैं कहा मेरे नाल आ चला, मैं चलता हूँ तेरे साथ। उसका घर 2 गलियाँ छोड़ के साथ ही घर था। आप यकीन करें मैं ये नहीं कि मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि यार इसका मतलब है कि वो अकेला बंदा नहीं है, कितने लोग ऐसे होंगे जो बेचारे सिर्फ जिनके कबूतर यार 11, 12, 9, 10 वाले प्रवास होती थी। तो मैंने कहा यार कि यार मुझे अंदर से एक अच्छा गिल्टी फील हो रहा था कि यार ये सिर्फ कबूतर मैंने अपने लिए यार फार्मूला बनाया हुआ है, मैं अपने लिए बस अपने शौक के लिए कि हाँ यार मेरा नाम हो जाए। होता क्या उस्ताद का नाम, आप बिलीव करें, ये मैं आपको 2022 या पिछले साल बैसाख की बात बता रहा हूँ, पिछले साल ही बैसाख की, ये अप्रैल का महीना था, बल्कि शायद मई का फर्स्ट मई से स्टार्ट हो गया, क्योंकि अगस्त में तो मैंने चैलेंज बना लिया था। मैंने उसी दिन नियत कर ली, मैं कि यार दफा गोली मारो यार, अपने पास क्या रखना है यार, इस तरह के बेचारे कितने लोग हैं जिनके पास फार्मूला ही नहीं है, छोड़ो दफा करो सारे लोगों को दो। ये मई की बाजियाँ ख़त्म हुई हैं, मई जून जुलाई अगस्त में मैंने चैनल बना के मैं कि ये सबसे पहले ये नुस्खा दो दोस्तों को जो जिन्होंने ये नुस्खा वगैरह लगाया, पिछली जो थी ये असूज था। लास्ट ईयर जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो अगस्त के बाद सितंबर की बाजी स्टार्ट होने वाली थी, तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, ये मैंने इसलिए आपको दिया उन दोस्तों के लिए यार, किसी के तरह लेना करने पड़े। मैंने देखा मिनते करते हुए लोगों को, ओ साथ जी आ जाओ, और उस्ताद अगर आ गया गलती से छत पे आ गया, ओए जा लस्सी लै के आ, पहले जाके 2 किलो दूध बेच, 1 किलो दही पुआ, उधर रिड़का बना के उस्ताद बड़ा इस वेले यार, मेरा मतलब है एडे जे कैप्सूल ले उस्ताद जी ने जिन्नी खिदमत करवा लेनी है, तो नाल उसके बाद पता कहना है थले उतरो भी सारे, चलो चलो सारे थले उतरो, निकलो थले सारे, तो चुप करके मेडिसिन का कैप्सूल ला के उस्ताद जी आप थले उतर गए ने, तो क्यों ना यार आप लोग खुद लगा लो। उस्ताद के जो तरले करने हैं, इतनी मिनते करनी है किसी की, मैं ये नहीं कह रहा उस्तादों को मैं बुरा नहीं कह रहा, यकीन माने मेरे अपने उस्ताद थे यार, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो बताया मैं उस्तादों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक अच्छा उस्ताद पकड़ने के मैं कहता हूँ आप पकड़ लें कोई अच्छा उस्ताद जो आपको प्रॉपर गाइड करे यार, ये ना कहे कि मनु यार पहले पग पवाना पहले बुला के नोटा का हार पवा, क्यों जी मैं सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उसके बाद ही वो अपना जी वो जी हूँ मनु है कर उन्होंने नखरे ही खत्म नहीं, लेकिन एक अच्छा उस्ताद आपको कभी नहीं कहेगा, एक अच्छा उस्ताद यार पढ़ा लिखा माहौल भी होना चाहिए यार, हर जगह पे ये नहीं होना चाहिए ओ तेरी मैं तेरी प्लांट, यार अच्छे माहौल में कबूतरबाजी करें, खुद करें अपने हाथ से, ये देखे मैंने कबूतर खींचे अपने हाथ से खींचे, फार्मूला लगा तो अपने हाथ से लगा तो उनको लगवाता हूँ, जो लग जाते हैं लगे, बाकी चले गए दफा हो गए, चलो कोई बात नहीं, फिर से अपने जोड़े रखे हुए, मुझे किसी की मोहताजी नहीं, मैं क्यों किसी के तरले करूँ। इसी तरह मैं आपको भी यही बताता हूँ कि मैंने कोई शागिर्द नहीं बनाना, अच्छे उस्ताद बनाने हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ले जी जरा कबूतर खींचे, आपको जरा शौक कराते हैं, ले जी जरा शौक करें कबूतरों का, ये सारे ये तकरीबन 81 कबूतर हैं, ये देखिएगा इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है जी गेम मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा जी। व्यूवर्स कबूतर देखे आपने खेच दिए जी, 15 जुलाई 30 अगस्त तक तैयार होंगे, इसमें से 81 कबूतर हैं, 81 टोटल कबूतर हैं जो मैंने गेम के लिए तैयार किए हैं, 81 कबूतरों में से तकरीबन 55 बच्चे घर से आए हैं, बाकी कुछ कबूतर जो हैं जो पहले के दोस्तों से गिफ्ट आए थे वो हैं, लेकिन 55 घर के कबूतर हैं। देखिए कितना फ़ायदा है, ना कोई किचकिच ना कोई किसी के तरले, घर के बच्चे आए वही उड़ाने हैं, और आपको सासा बताऊंगा अभी कौन सा उड़ाए। ले जी अपना बड़ा ख्याल रखिए, हमारे साथ रहें, ये थी जी आज हमारी एपिसोड 5, आपको बताया कबूतर खींचने के बाद इनको आपने ब्रूफिन देना है, ब्रूफिन डीएस नहीं देना, कभी भी याद रखिएगा ब्रूफिन डीएस नहीं देना, सिंपल ब्रूफिन मिलती है 80-90 रुपए की बोतल मिलती है, 1 लीटर में एक ढक्कन उसी का, एक कुनाली 3 लीटर की होती है, 3 ढक्कन डाल के मिक्स करके कबूतरों को पिलाना है ताकि दर्दे ना हो, इन्फेक्शन ना हो कबूतर को, वो ठीक हो जाए। ठीक है अपना बड़ा ख्याल रखें, हमारे साथ रहें। लो जी इधर आओ जरा, इंज करो जरा, साडा साइन है जी थले हो ना जरा, ताकि भी शक्ल नजर आए। लो जी अपना बड़ा ख्याल रखें सारे, अल्लाह हाफिज़।